अभी आप किससे बंधे हैं? अभी आपने क्या बताया, किससे बंधे? परिवार से, जिम्मेदारियों से। अब आपको मैं बताता हूं कि आपको बंधना किससे है। अभी तक आपने अपने आप को परिवार और जिम्मेदारियों से बंधा हुआ माना है, आज से आप अपने आप को भगवान के श्री चरणों में बांध दो। हे प्रभु, आज से हम आपके चरणों से बंधे हैं। बांधना ही है तो परिवार से क्यों, भगवान से, है ना? बंधेऊं कीर मरकट की नाई, भगवान से अपने आप को बांध दो। संसार से बांधे ही हो भगवान से। हो गया क्लियर? बांधना नहीं है अपने आप को संसार में। आप मुक्त हैं ऑलरेडी। एक बार क्या हुआ, कुछ आदमियों ने भांग पी, भांग, और भांग पी के नाव में बैठ गए। उनको लगा चलो आज नाव में चलेंगे और आज नाव नाव से सफर करेंगे, थोड़ा दूसरे गांव तक चलेंगे। तो नाव में भंगेड़ी बैठे भांग पीकर और पूरी रात भांग पीकर नाव चलाई। जब नाव चली और सवेरा जब हुआ तो भांगी भंगेड़ियों की भांग कुछ उतरी, तो भंगेड़ियों ने कहा भाई हम कहां आ गए, ये कहां आ गए हम? ध्यान से देखा, बोले कहीं नहीं आए, जहां बैठे थे। अरे बोले रात भर नाव चली और नाव चल भी रही और हम पहुंचे भी नहीं। बोले नाव तो रात भर चली, ध्यान से देखा, बोले रात भर नाव चली पर नाव खूंटे से बंधी थी, उसे खोला ही नहीं। बंधी नाव रात भर खेते रहे चलाते रहे तो नाव जहां की तहां। भाई नाव यदि बंधी है खूंटे से पर आप उसे चलाएं पूरी रात तो कहीं पहुंचेंगे? यही हाल आपका है। आप लोग भी बंधे हुए हैं किससे? अभी आपने बताया जिम्मेदारी परिवार से, इसलिए आप कहीं पहुंच नहीं पाते। आप अपनी मंजिल तक, अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि आप उस नाव की तरह बंधे हैं। जब वो नाव खूंटे से खुलेगी तब तो कहीं पहुंचेगी। आप संसार के बंधन से मुक्त होंगे तब तो भगवान तक पहुंचेंगे। अब भगवान तक कोई पहुंचा क्यों नहीं, क्योंकि खोला ही नहीं अपने आप को। आप सब अभी ने हाथ उठा के बता रहे थे हम बंधे हैं जिम्मेदारियों से, और ऐसे बता रहे थे जैसे बहुत बड़ा काम किया है।